दुमका उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ दल जेएमएम की छटपटाहट अब साफ नजर आने लगी है। पार्टी ने इस बाबत केंद्रीय चुनाव आयुक्त को 5 जुलाई को पहले दुमका उपायुक्त को कराने का आग्रह किया। दुमका सीट का दावा ठोक रही जेएमएम की माने तो चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार है। इधर बीजेपी भी इसे लेकर ताल ठोक रही है। राज्य में भले ही 2 उपचुनाव होने हैं लेकिन चर्चा चारों ओर दुमका को लेकर हो रही है। दुमका सीट जहां मुख्यमंत्री के लिए खुद प्रतिष्ठा का सवाल है, वहीं बीजेपी बाबूलाल मरांडी के सहारे एक बार फिर यह सीट जीत कर यह दिखाना चाहती है कि जनता आज भी उनके साथ है और आदिवासी का एक बड़ा धड़ा आज भी बीजेपी का समर्थक है। उन्होंने आज आग्रह किया है चुनाव आयुक्त को कि आप यथाशीघ्र निर्णय लें और निर्णय लेके इस पर अधिसूचना जारी करें, क्योंकि बेरमो भी खाली है लेकिन बेरमो में भी बहुत समय बाकी है। आप बिहार के साथ बेरमो को कर सकते हैं, इसलिए बेरमो में अभी ये कंपल्शन नहीं है लेकिन दुमका में ये कंपल्शन है और ये चुनाव हो जानी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता तत्पर हैं, तैनात हैं और बूथों में सक्रिय हैं, जीवंत हैं और हम कह सकते हैं कि आने वाली लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। 5 साल के शासन के बाद विपक्ष में आई बीजेपी को यह एहसास है कि अगर दुमका सीट वो जीत जाती है तो सारे कार्यकर्ताओं के लिए यह किसी एनर्जी बूस्टर की तरह काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की दुमका पुरानी जमीन वाली विधानसभा है, हमारा वहाँ जनाधार है। हमारे इसके पहले हमारे विधायक रहे हैं दुमका, हमारे पास कई बार सांसद चुनाव जीत करके गए हैं पूरे दुमका लोकसभा में। दुमका विधानसभा तो निश्चित तौर पे हम जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो सीट जाएगा। जेएमएम ने बीजेपी को सलाह दी है कि अपवाद को जनता की पसंद न माने। दुमका हमेशा से जेएमएम का गढ़ रहा है। पार्टी भी अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार है दुमका विधानसभा सीट को लेकर के। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पारंपरिक सीट है और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोली में ही है। दुमका के सहारे जहां हेमंत सोरेन अपने अनुज बसंत सोरेन के लिए सियासत में सीधे एंट्री चाहते हैं, वहीं बाबूलाल इस सीट को जीत कर बीजेपी के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी सियासी कद को बढ़ाना और बनाए रखना चाहते हैं। रांची से कैमरामैन उमेश के साथ न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।